नमस्कार किसान भाइयों, देखिए आज मैं आया हूँ एक प्लॉट पर जहाँ की हम कर रहे हैं प्याज की खेती। और आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि चाइना प्याज की खेती, जो कि मैं आपको सीड दिखाता हूँ यहाँ पर, ये देखिए सीड है चाइना प्याज का, और इसको हम इसको फील्ड में आज लगा रहे हैं। और इसकी खेती करके आप किस प्रकार से अपना उत्पादन बढ़ाएंगे और साथ में इसका अच्छा भाव कैसे लेंगे, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। और जो खेती कर रहे हैं इसको काफ़ी लंबे समय से खेती कर रहे हैं, उनसे भी आपको हम मिलाएंगे इस समय। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो पे पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और दूसरे किसान भाइयों तक जरूर भेजें। तो करते हैं शुरुआत। तो देखिए ये जो किसान भाई है ये करते हैं काफी लंबे समय से, तो कितने समय से आप खेती कर रहे हैं? हम 10 सालों से इसकी खेती कर रहे हैं। 10 सालों से? हाँ। अच्छा, हर साल लगा डालनी पड़ती है। अच्छा, खेत की तैयारी करने से पहले? हाँ। उसमें कौन कौन से उर्वरक डालते हो खेत की तैयारी? हम MP खाद डालते हैं। अच्छा, और इसमें थोड़ा वैसा खाद, देसी खाद भी डाल देते हैं। अच्छा। हाँ, देसी खाद करने के बाद में इसमें, क्योंकि बरसात का समय चल रहा है इस समय और यहाँ पर गूल हम देख रहे हैं, तो काफी गूल कैसे तैयार करते हो जिससे कि बरसात से कोई नुकसान ना हो? काफी गूल इसकी थोड़ी ऊंचाई पर डालते हैं जो का बरसात का पानी नीचे ही रहे। अच्छा, अंदर चुली में। अच्छा। हाँ, तो इसलिए देखो किसान भाई इसका ध्यान रखें, बरसात का मौसम होने के कारण थोड़ा सा गूल इसको ऊंचा और मोटा बनाए जिससे बरसात होने पर जो पानी है इन गूलों में भर जाए और हमारा बरसात से कोई नुकसान ना हो पाए। तो ये तो हो रही इसकी बात। अब बात करते हैं सीड कौन सा लगाया गया? ये चाइना वाला है। चाइना कितने समय में तैयार हो जाती है फसल? ये 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाती है इसकी फसल। अच्छा। हाँ, तो इसमें खाली प्याज की खेती कर रहे हो या फिर साथ में कुछ और भी लगाना? इसके बाद प्याज लगने के बाद इसमें मिर्च की खेती भी करेंगे हम। अच्छा, इसी में? हाँ, प्याज खड़ जाएगी मतलब हार्वेस्ट हो जाएगी। हाँ, उसके बाद मिर्च की खेती होगी। मिर्च की खेती हो जाएगी जी। तो कितने समय में तैयार हो जाती है मिर्च की खेती? मिर्च की खेती में लगभग ऐसी 1 से 1.5 महीना लग जाता है। 1 से 1.5 महीना। हाँ। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बुलाना चाहूंगा, थोड़ा सा यहाँ पे दिखाइए। और ये देखिए प्याज को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ये जो प्याज का सीड आया हुआ है इसके जो कुछ एक्स्ट्रा वाले पत्ते होते हैं उसको छुटा दिया जाता है, जिससे कि ये अंदर जैसे इसको लगाएंगे तो ये गल जाएगा, तो इसका ध्यान रखें और इसको लगा दें। लगाने का तरीका क्या है अब जरा बताओ, लगा करके दिखाओ जरा थोड़ा सा। लगाने का तरीका ऐसा है, ये देखिए हमने ये थोड़ी सी प्याज ली, इसको इस तरीके से जैसे ये छूंछर दिख रहे हैं इस तरीके से लगा, जड़ नीचे की तरफ। हाँ, जड़ नीचे की तरफ होनी चाहिए। अच्छा अच्छा, तभी ये प्याज निकल कर आएगी, वरना आप ऐसा करके लगाओगे तो ये प्याज निकल कर नहीं आने की। इस तरह जड़ नीचे रहनी चाहिए, जड़ नीचे रहनी चाहिए, प्याज तभी निकल कर आएगी। अच्छा, तो कितने अभी इसको लगाने के बाद में पानी कब लगाया जाएगा इसे? पानी आज ही लगाया जाएगा आज। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये हो गई। उसके बाद में क्या क्या उर्वरक लगाने पड़ेंगे इसमें जैसे जर्मिनेशन हो जाएगा इसका? उसके बाद हमें ध्यान रखना पड़ेगा खाद उज डालने का, निराई गुड़ाई वगैरह। हाँ, निराई गुड़ाई करनी जल्दी जरूरी। तो कितने समय में तैयार हो जाएगी ये फसल? फसल 1 से 1.5 महीने में तैयार हो जाएगी इसकी फसल प्याज की। अच्छा अच्छा जी। तो देखिए किसान भाइयों ये थी शॉर्ट में, बहुत हमने कम समय में ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो जो और किसान भाई हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।